सेंटर बेड मैन सामने सिद्धेश को देखिए चलो मैम ग्रुप कर दो थैंक यू मैम नेक्स्ट अग्रार की भैया सेकंड में हो जाता था चिकन में भी है अभी बताता हूँ अभी बता दियो ना मेरा भाई जिंदा मेरा भाई बोल नहीं सकता सुन सकता है ये वाला बैटरी बहुत नहीं है ऐसे या थैंक यू ग्रुप फोटो सर ग्रुप फोटो चलो सर आप देख लो आपको क्या करते हैं आप भी बैक हो जाओगे सर थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ हाँ बराबर चलो रोलिंग दादा ओहो भाई मोबाइल कैमरा पीछे मेरे आगे करो मेरे आगे देखना ऐसे तो हर कोई फंसना चाहेगा अच्छा ये निकल गया अकड़े घूम गई चलो चलो भाई थैंक यू गाइस गाइस थैंक यू पीछे ये मोटी रुक रहे ये वाला भी अंदर ले लो सर ना थोड़ा एक स्टेप पीछे कर लीजिए पीछे हां कौन वाला है ये हासिम नेम का तो अच्छा आएगा उनका भी आएगा कौन है थैंक यू चलो भैया सेंटर लो आपके सामने सेंटर भी सामने ये कौन है यार दिल में भी धन्यवाद थैंक यू अभी नहीं सोलो ट्रेन अरे रुको जरा बाजू को कैमरा बोल तो रही हो तुम मुझसे हाँ सर आप मैं भी टांग दिखाऊं नहीं एक ही हाँ एक टांग कुछ नया लेकर आप हम सभी के बीच में आ रहे अपने कैरेक्टर के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे जो कि हम सभी को जल्दी देखने मिलेगा डिज्नी हॉटस्टार हाँ ये नया है मतलब आई थिंक वो एकदम मास एंटरटेनर टाइप की चीज़ है ये जो आदित्य दत्त वैसी वाली चीज़ें बनाते हैं उनके साथ में ये दूसरी बार काम कर रहा हूँ मैं कमांडो 3 में था मैं उनके साथ में तो उनकी जो सेंसिबिलिटी है वो मनोरंजक चीज़ें बनाते हैं और स्टाइलिश चीज़ें बनाते हैं तो इस मैंने एक कॉप का रोल किया था दहाड़ एक शो मेरा आया था जिसमें बहुत ही एक ईमानदार और बहुत ही रियलिस्टिक किस्म का कॉप किया था मतलब जब ये
स्क्रिप्ट मेरे पास आया, इन्होंने नरेशन दिया, तो मुझे लगा कि ये एक फिल्मी कॉप करने का एक अच्छा अवसर है, लेकिन मैं इसको कैसे करूँगा मुझे पता नहीं था. सो आई वॉज इंटरेस्टेड इन दैट. तो बहुत मज़ा आया, मतलब काफ़ी कॉमेडी भी है और काफ़ी एक्शन भी है. तो हमें तो कर, मुझे तो करते हुए बहुत मज़ा आया था कि अब उम्मीद है कि अभी ऑडियंस के ऊपर छोड़ा है कि आप देख लो आपके इसके साथ क्या करना है. बिल्कुल, आई थिंक ऑडियंस तो बहुत ही, हम ऑडियंस के लिए बना रहे हैं सब. और हम कैरेक्टर पिक करने में, जनता जनार्दन कैरेक्टर पिक करने में मेरे लिए बहुत ही एक खास बात मुझे इसकी ये लगी कि हर ऑडियंस भी उनसे रिलेट करना चाहता है जिसमें थोड़ा कॉमेडी हो, थोड़ा ड्रामा हो, थोड़ा एक्शन हो. आई थिंक वी इंडियन ऑडियंस आई थिंक उनको बहुत पसंद करती है. तो इसमें सब कुछ है मिला जुला के, इस में हर तरह के इमोशंस, एक्शन से लेके आपको ड्रामा और फन, थोड़ा लव स्टोरी, लॉट ऑफ मसाला ऑल्सो यू वुड गेट टू सी, विच इज़ गना बी सो मच फन. सो आई थिंक, आई एम श्योर अभी ऑडियंस को पसंद आए, उन्हीं के ऊपर है. तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. अनुराग सर को एज अ डायरेक्टर तो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया ही गया था, बट इसमें एज अ मेन लीड वो काम कर रहे हैं, तो किस तरह का डिफरेंस आपको लगा? हाँ, तो वही है कि मेन लीड है ना, तो अभी उनके पास स्पॉट बॉय है, मेकअप मैन है, एक असिस्टेंट है, चार मैनेजर है. नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, इसको समझ नहीं आ रहा है यार, एटलीस्ट हंस दे. नहीं, वो काफ़ी अच्छा कर लेते हैं एक्टिंग, क्योंकि वो थिएटर करते थे पहले. जब वो पहले पहले मुंबई आए थे तो मकरन सर के साथ बहुत नाटक किया उन्होंने, कई सारे शोज़ किए उन्होंने, लेकिन वो फिल्म मेकर ही बनना चाहते थे, कहानीकार ही बनना चाहते थे. तो उस पर ज़्यादा उन्होंने ध्यान दिया. जब उनको लिखने का और डायरेक्शन करने का मौका मिला तो फिर उधर चले गए. लेकिन एक्टिंग की समझ है, क्राफ्ट की समझ है. हाँ, हमारे जितना इंटरेस्ट लेके नहीं करते, लेकिन बिल्कुल वो कला की समझ है उन्हें, करते हैं, अच्छा करते भी हैं. और मुझे लगता है और थोड़ा इंटरेस्ट लेके करेंगे तो और अच्छा कर पाएंगे. मज़ेदार रहा उनके साथ, क्योंकि बतौर डायरेक्टर भी मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ, वो मेरे प्रोड्यूसर भी बने हैं, और आगे भी मेरे एक बच्चों की फिल्म की है हमने, लिटिल थॉमस, उसके भी प्रोड्यूसर हैं. तो एक अनुभव ऐसा भी रहा मेरा कि उनके साथ मैंने स्क्रीन भी शेयर किया और खूब सारी बातें की हमने, क्योंकि डायरेक्ट नहीं कर रहे थे तो बैठ के हम लोग बहुत गप्पे मारते थे और मुझे बड़े क्यूट लगते हैं, और दुनिया भर की बातें की हमने. ये अनुभव मेरे पास पहले नहीं था, अब मिल गया. हाँ, और प्रोड्यूसर भी थे मेरे, क्योंकि हंटर के प्रोड्यूसर थे, शैतान के प्रोड्यूसर थे, और पेडलर्स तो बाद में, हाँ पेडलर्स के भी प्रोड्यूसर बने. तो ऐसे बहुत कुछ किया जी 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 जी. आई थिंक दोनों एंजॉय किया, बिकॉज मेरी शुरुआत उनसे हुई थी ना, मेरी सबसे, मेरा पहला अपॉर्चुनिटी उन्होंने दिया था और बहुत भरोसा किया था और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया था. और देवडी के बाद वो एक छोटी फिल्म बना रही थी, उसमें एक बहुत बढ़िया रोल दिया था मेरे लिए. तो उसके बाद शैतान जैसी फिल्म को उन्होंने प्रोड्यूस किया, वो मेरे लिए काफ़ी वो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा. मैं आज उसी की वजह से काम कर रहा हूँ, जो भी काम मिल रहा है. तो मैंने वो भी एंजॉय किया, लेकिन ये भी मैंने एंजॉय किया. मैं जानता था कि वो एक्टर एक्टिंग करते हैं, कई सारे ऐसे डायरेक्टर हैं जो करते हैं, एक्टिंग की समझ है उन्हें, लेकिन वो पहले इतना नहीं करते थे, लेकिन आजकल कर रहे हैं. और उनके साथ बैठ के बात करने का अनुभव ज़्यादा नहीं था, क्योंकि वो पहले वो डायरेक्टर थे, तो फिर एक दूरी भी थी बीच में. तो वो एक अनुभव मेरे लिए खास है इसमें, जो दो लोग आपस में बैठ के, दो क्या कहते हैं, कॉलीग्स, दो एक्टर आपस में बैठ के जो बातें होती हैं, वो मैंने किया नहीं था उनके साथ में, जो थोड़ा बहुत उनको जानने का मौका मिला मुझे. इवन ऐश्वर्या, इसके पहले आप खाकी और स्पेशल ऑफ, आपका काफी इंपैक्टफुल कैरेक्टर रहा है, लोगों को काफी पसंद आया, लेकिन इस बार आपका क्या एक्सपेक्टेशन था कि आपको कैसा कैरेक्टर मिलेगा और लोगों को क्या कुछ नया देखने को? सो आफ्टर डूइंग स्पेशल ऑब्स और खाकी के बाद, मुझे खाकी के बाद काफ़ी उस टाइप के रोल्स मिलने शुरू हुए थे, मीता देवी के बाद उषा देवी और सिमिलर कैरेक्टर्स, जो मुझे वो ब्रेक करना था और मेरे लिए एज एन एक्टर वो बहुत इंपॉर्टेंट था. तो मैं उसी के उस पूरे प्रोसेस, उसके बाद मैंने मुश्किल से 6-7-8 महीने मैंने जितने भी स्क्रिप्ट्स आए थे मैंने उनको पढ़ के मना कर दिया था कि मुझे सिमिलर कैरेक्टर अभी एट दिस पॉइंट मे बी आई वुड नॉट लाइक टू डू इट, बट आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस दैट व्हाट आई हैव परफॉर्म्ड हियर कीकी, विच इज़ अ कम्प्लीट कॉन्ट्रास्ट. जो मीता देवी थी वो पूरी देसी थी, ये पूरी ग्लैम है. तो ये बहुत ही आई वॉज लुकिंग आउट फॉर दिस. कुणाल हमारे कास्टिंग डायरेक्टर, उन्होंने मैसेज किया कि डायरेक्टर आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने खाकी भी देखी है, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ मेंशन इवन बाय अनुराग सर
मैंने काम उनके साथ नहीं किया पर उन्होंने मेरा काम देखा है और काम के थ्रू अनुराग सर अगर कहीं बोल दे कि इनका काम अच्छा है तो लोग उसको सच में सीरियसली लेते हैं बिकॉज उनका काम खुद का भी इतना वो कुछ भी बोलते हैं लोग सीरियसली ले लेते हैं नो डेफिनेटली देयर इज नो डिनायल सो उसके उनके मेंशन से अ लॉट ऑफ इन द प्रोडक्शन आल्सो दे रियली लाइक माय प्रीवियस वर्क तो उस वजह से मैं कहूँगी कि आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मीता के बाद एक कम्प्लीटली कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर में बिलीव करना कि हाँ ये कर पाएंगी वो काफ़ी मतलब आई एम ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझ में देखा कि मैं उसके ऑपोजिट कैरेक्टर को कर सकती हूँ और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैंने किया है मैंने पूरी कोशिश की है आई होप आप लोगों को पसंद आए और प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा एक बात मैं बहुत जरूर बोलूंगी कि जब मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई थी तो मुझे जब बताया गया था मेरे पास आया ही था कि दिस इज़ फॉर द लीड कैरेक्टर विथ गुलशन देवैया सौरभ सचदेवा हरलीन एंड तब अनुराग कश्यप ये इट वाज़ अ नो ब्रेनर फॉर मी एज अ ब्लूमिंग एक्टर आई काइंड ऑफ फील पर्सनली कि मेरे लिए इट्स अ प्रिविलेज टू बी वर्किंग विद सच फॉर मी आई थिंक दीज आर लेजेंड्स सब कुछ तो ब्रेन है दीज आर लेजेंड्स बहुत दिए इंटेलिजेंट है नो ब्रेनर ऐसे ही बोल रही हूँ नहीं सीरियसली आई मीन मुझे तो मैं तो बहुत खुश थी मतलब मुझे इंस्टिंक्टिवली मुझे लगा आई हैव टू डू इट एंड बहुत ही अच्छा काम लगा मुझे बहुत हंसाते थे ये बीच बीच में थोड़ा हमारा डिफरेंट अप्रोच भी होता था कि शी हैज अ डिफरेंट अप्रोच बहुत परेशान करते मैं बहुत इरिटेटिंग हूं नहीं बट मुझे बहुत अच्छा लगा दिस लॉट टू लर्न फ्रॉम हिम लॉट टू लर्न फ्रॉम अनुराग सर लॉट टू लर्न आई हैव डन सौरभ सर्स फ्यू आवर्स वर्कशॉप उसके बाद आई हैव बीन वेरी फॉन्ड ऑफ हिम तो काफ़ी अच्छे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला पर्सनली एंड आई एम ग्लैड साथ में हमारी रिहर्सल्स नहीं होती थी और सौरभ उनका काम देखा हुआ था मैंने क्योंकि सेक्रेट गेम्स से शुरुआत की थी उन्होंने तो मैं उनके जो एक्टिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ वो बहुत यूट्यूब पे वीडियोज़ अपलोड करते हैं तो मैं देखता हूँ ये सब सुनता हूँ क्योंकि मैं तो पढ़ा नहीं हूँ ना तो मैं ऐसे जानकारी मतलब लोगों को सुन के उनका काम देख के और तजुर्बे से किताबें पढ़ के ऐसे सीखा हूँ क्राफ्ट तो ऐसे लोग जब बात करते हैं तो मैं सुनता हूँ उनको तो एक आइडिया था कि ये क्राफ्ट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं तो सेट पे पहली बार हमारी एक्चुअली मुलाकात हुई इससे पहले कुछ अवार्ड फंक्शन वगैरह में हाय हेलो हुई है बस लेकिन बैठ के ऐसे गप्पे नहीं मारे हमने एंड ही वॉज़ वेरी इंटरेस्टेड इन मी मुझे बहुत ये इंटरेस्ट था कि वो क्या है उनकी ज़िंदगी कहाँ से आए क्यों आए कैसे आए उनका क्या तजुर्बा रहा है उस किस नज़रिए से देखते हैं उनकी क्या अप्रोच है वो सब एक जानने का मौका मिला और उनके लिए भी उन्होंने मेरा प्रोसेस तो अब फिर कुछ नया आपको दिखता है हाँ मैं कर सकता हूँ ये लेकिन क्योंकि वो एक्टिंग ट्रेनर है वो ये माइंड सेट लेके नहीं आए कि मैं सब कुछ जानता हूँ मैं आपको बताऊंगा कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए वैसा बिल्कुल नहीं था ही इज़ वेरी इजी टू वर्क विद वो अपना प्रोसेस वो खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं और इट वाज अ प्लेजर वो इंटरेस्टिंग आदमी है उनके सोच विचार काफ़ी इंटरेस्टिंग है बहुत जाने माने एक्टरों के साथ उन्होंने काम किया उनको ट्रेन किया है तो ऑब्वियसली ही कम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस तो मैं ऑब्जर्व करता था कि उनका क्या प्रोसेस है वो किस रोल को कैसे अप्रोच करते हैं सो दैट वाज मेरी की बात की हमारा कुछ जो हमारा विंडो हॉपिंग सीन है आई थिंक वो हमेशा यादगार रहेगा अच्छा वो मेमोरी बहुत वो तो एक्शन सीन्स में आई थिंक मेरी वो क्या वो कैमरा पे नहीं बोल सकता वो फट गई थी ना तो इन्होंने हां मैं तो बहुत एक्साइटेड थी आई मीन बट इन्होंने संभाला आई थिंक हम में से कोई एक गिरने वाला भी था मुझे लगा मैं इनको संभाल रहा हूँ लेकिन मैं नहीं संभाल रहा था एक्चुअली नहीं संभाल रहे थे मुझे पता था मुझे नहीं संभाल रहे थे आप नहीं नहीं हो पा रहा था मुझे लगा कि मैं आपको संभाल रहा हूँ लेकिन मैं मेरी खुद ही हालत इतनी खराब थी वहाँ पे हाँ फिर मैंने संभाल लिया बट हाँ आपने संभाल लिया हाँ ऐसा मैंने सुना है मैंने भी सुना है दोस्त तुमने भी सुना है ना एक अफवाह नहीं है है एक जर्मन शो है आई थिंक जिसका नाम भी बैड कॉपी है तो रेंसिल डिसिल्वा जो फिल्म मेकर हैं उन्होंने इस चीज़ को लिखा है इसका अडेप्टेशन किया है अनुवाद भी नहीं है अडेप्टेशन है
तो क्योंकि मुंबई की कहानी उस हिसाब से किरदार कहानियों में कुछ बदलाव है, लेकिन कितना एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, बिकॉज मुझे सोर्स मटेरियल के बारे में कोई जानकारी ना मैंने देखा हुआ है, खाली गूगल करके पोस्टर देखा था मालूम नहीं मुझे, मुझे नहीं मालूम, आपने देखा है तो आपको मालूम होगा, मुझे नहीं पता। ओह रिसर्चर। तो मींस अगर इस तरह के कुछ आज आते हैं जो पहले हो चुके और वापस रीक्रिएट हो रहा है, सो कितना डिफिकल्ट और इजी होगा? यार डिफिकल्ट तो नहीं है, इजी भी नहीं है, डिफिकल्ट इजी आपकी तैयारी पे, एटलीस्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं तैयारी करके जाता हूँ किसी चीज को समझ के मैं करता हूँ तो मेरे लिए इजी हो जाता है। अब मैं ऐसे ही पहुंच जाऊंगा सेट पे तो डिफिकल्ट हो जाता है, जैसे यहाँ पे एक्शन करना पड़ा, थोड़ी बहुत फिजिकल तैयारी करनी पड़ी मुझे, क्योंकि वो है नहीं हूँ मैं, एक्शन टाइप का नहीं हूँ मैं, विद्युत जामवाल नहीं हूँ, तो आई हैव टू प्रिपेयर मेंटली फिजिकली, और मेरे लिमिटेशंस हद में रह के मुझे करना पड़ेगा, तो वो सब है, वो उसके लिए प्रिपरेशन करके जाएंगे तो सब कुछ ईजी है। फ्रेंड्स फैमिली फैंस तो देखेंगे ही, और बाकी लोग जो हम लोगों को नहीं जानते आप भी देख लो, आप भी बन जाओगे फ्रेंड फैमिली और फैंस, है ना, मजेदार चीज है ये। हाँ इट्स अ मिक्स ऑफ ड्रामा, प्लीज देखिए ना, मिक्स ऑफ ड्रामा है, बहुत कुछ है इसमें, कॉमेडी भी है क्योंकि यूजुअली कॉमेडी लोग लाइक करते हैं, तो डेफिनेटली इंट्रोडक्शन सीन से ही आपको कॉमेडी मिलेगा देखने को। तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार में देखिए बैड कॉप। यस, थैंक यू।